कहिंदे ने कि चोरी ते यारी घर नूं बर्बाद कर दिंदियां ने। इन्हां विच आदमी अपने ते अपणियां दा वी सका नहीं रहिंदा। अजिही एक दिल कंबाऊ घटना अमृतसर दे पिंड हर्षा छीना तों सामने आई है, जिथे एक पत्नी वल्लों अपने ही किसी साथी नाल मिल के पति दा कतल कर दिता गया। कतल बारे जानकारी दिंदिआं मृतक हरदेव सिंह दे रिश्तेदारां दा कहना है कि उसकी पत्नी शरणजीत कौर अते मृतक हरदेव सिंह दे विचाले अक्सर लड़ाई झगड़ा रहिंदा सी, जिस दे चलदे शरणजीत कौर ने अपने ही किसी साथी नाल मिल के पहलां तां मृतक दी चाह विच कुछ पा के उसनूं बेहोश कीता ते बाद विच उसदा गला दबा के उसनूं मौत दे घाट उतार दिता। उन्हां मंग कीती है कि दोषियों खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए। तो यह जदों की डैथ हो चुकी है, मेरे चाचा जी के बेटे से, इन्हों कोई दो चार दिन पहले तो कोई आपस दोवें जी की कोई बहस बसाई जी चलती आ रही थी इन्हों कोई जी, तो बहस बसाई भी इदा की चलती आ रही कोई कल कोई कोई पता सुन नहीं लगन दिता इन्होंने भी कोई जदम बहस बसाई इन्हों आपस हुई है तो मुड़के इन्होंने कोई जदम मतलब बंद कोई चार्ज पा के कुछ देता जाने किसी ने कुछ शादी जनाल करके ये काम किया गया वा, तो कोई इन्हों कोई यहोजी कोई गलबात नहीं या पेल्ला कोई बीमार नहीं कोई गल नहीं कोई बात नहीं ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ? ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਰ ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੋਈ ਗਏ ਹਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ 6:30-7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਉੱਠਿਆ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। तो बाद में छोटा इन्हों का बेटा वा कोई 6 साल का, उन्हें जाके घर जाके अपनी दादी मामा ने दसिया जाके भी पापा उठे नहीं गए तो छेती आओ घर जाके, तो इन्हें जी सुखदेव सिंह की जी मैसेज सी उन्हें नहीं जाके मतलब वेख्या जाके मेरा बंदा उठाया नहीं गा की गल है, मैं जाके पता छानबीन करा भी छोटे छोटे बच्चे ने जाके दसिया भी दादी मामा ने जाके दादी आई भजी भजी आई जाके तो वेख्या जे सुखदेव सिंह हैगा ही नहीं गया जी। मंग करते सरदार जी चलो यू पिछे परिवार को अपने मिलना चाहिए इंसाफ मिलना चाहिए जी, यह जनानी दोषी करा देंगे कोई सज़ा सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए। उधर इस मौके जांच अधिकारी दिलबाग सिंह ने दसिया कि हरदेव सिंह ते उसकी पत्नी शरणजीत कौर च लड़ाई झगड़ा रहिंदा सी, जिसके चलते पत्नी के किसी राजा नाम के व्यक्ति नाल संबंध बन गए। उन्हें दसिया कि इन दोवों ने साजिश अनुसार पहला तो हरदेव सिंह बेहोश किया बाद उसका गला दबा के उसका कतल कर दिता। 19/4/2021 की रात की घटना वा, शरणजीत कौर आ ते इहदे पति का नाम हरदेव सिंह, ये दोवां च अणबण रहिंदी सी, ते शरणजीत कौर जिहड़ी आ इहदे कुछ थोड़े रिलेशन पिछे मुंडे पेके घर राजा नाम के व्यक्ति नाल हो गए, ते 6 साल पुराने रिलेशन होने करके इन्हां ने एक मनघड़त आपणी साजिश कीती एक कहानी बनाई कि क्यों ना अपने घर वाले नूं मतलब इस दुनिया तो दूर किया जाए तो अं दोवें कट्ठे रह सकी। ये तहत इन्होंने उन्होंने इन्हों दित्तियां गोलियां नींद दियां या तो सुवादी तो बाकी वारदात जी मैं आपे करांगा तो इन्हों नहीं फिक्र होना चाहिए कोई। इन्होंने कोई 10 बजे गोलियां दे दित्तियां चाह च पा के बीबी शरणजीत कौर है जो दोषण है उस वक्त, तो पति ने चाह पीती उस टाइम उन्होंने चक्कर आन लग पे लम्मे पै गया वा सौं गया जो बेहोश हो गया पता लगा बेहोश हो गया ने उन्होंने सद लिया वा 11 बजे ने दरवाज़ा खोलिया वा 11:30 जो ये बयान मुताबक आ फरदंग साफ किया इन्हें वो आया वो उन्हें आन के ते अंदर उन्हों किस चीज़ ना हूँ तफ्तीश चल रही देखते हैं ये तो आँदी है भी गला घुट के मतलब उन्होंने दबा के मारिया परने के नाल दस के गया भी मैं मतलब अपना काम तमाम करता वा तेन कोई फिक्र नहीं होना चाहिए हूँ आप कट्ठे रहा यही वजह रंजिश यही कि वह इनू डकदा सी उहनू पहलों भी एक दिन भजाया सी घरों अज अदालत पेश किया गया तो 23 तक पुलिस रिमांड 23/4/2021 तक पुलिस रिमांड मिले वापसी। हाँ जी बाल बच्चे दो एक बेटी एक बेटा जी। फिलहाल पुलिस वालों मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है तो दोषियों तो पुछगिछ जारी है।